शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि राशियों के अनुसार कैसा रंग निकलने वाला है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों के जीवन में चल रही कई समस्याओं का समाधान उन्हें अचानक होता हुआ दिखाई देगा। संतान के पास से कुछ सुखद समाचार आपको प्राप्त होंगे, जिससे आपके मन में आनंद का उत्साह का वातावरण बना रहेगा। आप किसी प्रॉपर्टी का परचेज भी कर सकते हैं, जिससे भी आपके जीवन में खुशियां लगातार बनी रहेंगी। कुल मिलाकर समय आपका अच्छा है। आपको अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी आप अगर दखल रखते हैं तो भी आपको सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं मुझे दिखाई दे रही है। आइए अब हम चर्चा करते हैं वृषभ राशि की। तो जिनकी राशि वृषभ है उनके लिए भी ये समय अच्छा है, बस धैर्यतापूर्वक जीवन में आगे बढ़ते रहें। आपके जीवन में कई समस्याओं का समाधान मिलेगा। कोर्ट से संबंधित समस्याओं में आपको सफलता की प्राप्ति होगी, जिससे भी आपके मन में थोड़ा सा सुकून का वातावरण रहेगा। आपके जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान आप धीरे धीरे होता पाएंगे। हो सकता है आप कोई नई गाड़ी या कोई ऐसी प्रॉपर्टी परचेस करने में इंटरेस्ट दिखाएं। अगर आप इस प्रकार की कोई योजना बना रहे हैं तो उसके भी सफलता मिलने की मुझे पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही है। इस समय अच्छा है, एंजॉय करें। आइए अब हम चर्चा करते हैं मिथुन राशि के विषय में। तो जिनकी राशि मिथुन है उनके लिए भी समय अच्छा है। आप अपने जीवन में कई पॉजिटिव अवसर प्राप्त करेंगे, लेकिन आपके जीवन में मित्रों से सावधान रहे, वो आपको धोखा दे सकते हैं, आपके साथ चीट कर सकते हैं। तो सोच समझ कर आप जीवन में दोस्त बनाएं, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। कार्य के क्षेत्र को अगर हम देखें तो आपको लगातार उन्नति मिलेगी। अध्ययन के क्षेत्र में भी आप सफलता को प्राप्त करेंगे, बस अपने मन की एकाग्रता को बढ़ाएं, इससे आपको लाभ होगा। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कर्क राशि के विषय में। तो जिनकी राशि कर्क है उनके जीवन में कई समस्याएं उभर कर आएंगी। आप मानसिक रूप से आघात आपको मिलेगा। कोर्ट कचहरी मामलों में भी आपको असफलता मिल सकती है, जिसके आपके मन में रुष्टता का वातावरण रह सकता है। आपके जीवन में कई कार्य आपने ऐसे किए हैं जो आप को नहीं करने चाहिए थे, जिसका परिणाम अब आपको भोगने के लिए आप तैयार रहें। तो कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं वो उभर के आएंगे, जिससे आप मानसिक शारीरिक और आर्थिक रूप से भी अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करेंगे। आइए अब हम चर्चा करते हैं सिंह राशि के विषय में। तो जिनकी राशि सिंह है उनके जीवन में काफ़ी समय से लंबा पैसा रुका हुआ चल रहा है, जिसके कारण आपके मन में खिन्नता का वातावरण हो सकता है। पुराने मित्रों से आपको अलगाव की स्थिति हो सकती है। किसी नए क्षेत्र में आप कार्य क्षेत्र में आप कदम रख सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा आपके लाइफ में स्ट्रगल बढ़ सकता है। प्रेम संबंधी मामलों में भी आपको सफलता मिल सकती है, सोच समझकर जीवन में आगे बढ़ें। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं कन्या राशि के विषय में। तो जिनकी राशि कन्या उनके लिए भी समय पॉजिटिव है, सोच समझकर जीवन में आगे बढ़ें। आपको अचानक धन की लाभ होगा। जमीन संबंधी आपके मामले में भी आपको थोड़ी सी सफलता मिल सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका पैसा हो सकता है रुक जाए। तो सोच समझकर जीवन में आगे बढ़ें, किसी का भी विश्वास ना करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। आइए अब हम चर्चा करते हैं तुला राशि के विषय में। तो जिनकी राशि तुला है उनके जीवन में समय की कमी के कारण कई चीजों का प्रेशर आ सकता है, जिससे आप मानसिक रूप से आर्थिक रूप से परेशान हो सकते हैं और आपको भारी नुकसान का सामना करना भी पड़ सकता है। कई बार हम स्थितियों को जिस रूप में देखते हैं वो हमें दूर से वैसी दिखाई देती है, लेकिन उसकी सच्चाई कुछ और होती है। तो जीवन में इन समस्याओं को भी देख कर चलें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। आइए अब हम चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि के विषय में। तो जिनकी राशि वृश्चिक है उनको भी लगातार नुकसान होने की संभावना है। आपको कोर्ट कचहरी मामलों में भी असफलता मिलने की मुझे पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। आप मानसिक रूप से परेशान होंगे, आपके प्रेम संबंधों में भी आप उलझ जाएंगे, जिसके कारण आपके जीवन में तनाव की स्थिति बनी रहेगी। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे भंवर आते हैं जिसे निकल पाना हमारे लिए बहुत ही कठिन होता है, लेकिन अगर आप निर्णय सही लेंगे या अपनी कार्य क्षमता का परिचय देंगे तो हो सकता है आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाए। आइए अब हम चर्चा करते हैं धनु राशि के विषय में। तो जिनकी राशि धनु है उनके जीवन में भी चल रही समस्याओं का समाधान बहुत तो नहीं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा। अपने आपको मानसिक रूप से परेशान आप हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं, आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंध पूर्णता समाप्त हो सकते हैं, आपके प्रेमी से आपके संबंध समाप्त हो सकते हैं। क्योंकि आप अगर वाणी में संयम नहीं रखेंगे तो आपको जीवन में एक एक करके सारे रिश्ते छोड़ देंगे और आप जीवन में कहीं ना कहीं भीड़ में अपने आप को अकेला पाएंगे। तो सोच समझ कर जीवन में आगे बढ़ें, क्योंकि समाज में रहने के लिए सामाजिक होना बहुत ही आवश्यक होता है। आइए अब हम चर्चा करते हैं मकर राशि के विषय में। तो जिनकी राशि मकर है उनके जीवन में भी कई अप डाउन्स होंगे, लेकिन आप हताश ना हो, धीरे धीरे आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चलें। आप
आपको अपने रास्ते पर चलना है, मंजिल आपको स्वयं मिल जाएगी, आपका बिगड़ा कार्य बनेगा और आपके जीवन में आप सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम चर्चा करते हैं कुंभ राशि के विषय में। तो जिनकी राशि कुंभ है उनके लिए भी समय पहले से कुछ अच्छा है, आपको कार्य में सफलता मिलेगी। थोड़ा सा आप मानसिक शारीरिक रूप से परेशान हो सकते हैं, थका हुआ सा महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपके प्रेम संबंधों में काफ़ी सुधार होगा। कोई पुराना प्यार भी आपके जीवन में वापस आ सकता है, जिसके कारण भी आपके मन में प्रसन्नता का वातावरण बन सकता है। तो कुल मिलाकर समय आपका अच्छा है, इसे एंजॉय करें। अब हम चर्चा करते हैं मीन राशि के विषय में। तो जिनकी राशि मीन है उनके जीवन में भी कई समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त होगा। समय वैसे भी आपका अच्छा चल रहा है, कार्य को अपनी दिशा प्रदान करें और सही दिशा में आगे बढ़ते रहें। आपके माता पिता के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ सकती है, किसी पुराने मित्र का भी सहयोग आपसे छूट सकता है। तो सोच समझ कर जीवन में आगे बढ़ें और अपना और अपने माता पिता दोनों के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। तो आपने जाना कि किस प्रकार राशियों के अनुसार के लिए निकलने वाला है। अगर आप भी परेशान हैं, अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मुझसे चाहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम लिखें, अपने शहर का नाम लिखें और कब से आप मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं ये लिखना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। नमस्कार।